क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ चैप्टर वन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12th का फिजिक्स। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लो आप। बस टाइम बहुत कम है, दिसंबर स्टार्ट हो गया, आज 1 तारीख है। देख लो आप लोग, ये पढ़ लेना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब रबिंग होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बाकी इधर ये इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज होता है। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब चार्ज की। बाकी इधर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में एप्लीकेशन पढ़ लेना इसकी, ठीक है। कहाँ मतलब यूज़ होते हैं इसके, लाउड स्पीकर हो गया, चिमनीज हो गया, जीरोस्कोपिंग मशीन। ये एक्सपेरिमेंट है, ये आएंगे नहीं जितना मुझे पता है। बाकी इधर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस है, ये आप पढ़ लेना। ये नीचे पढ़ लेना, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, डेफिनेशन देख लेना इसके। बाकी इधर ये पढ़ लेना, विट्रियस एंड रेजिनियस चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में। मैं जो अंडरलाइन करा देख लेना अच्छे से, एक बार दिखा दूँ आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ, वीडियो रोक लेना आप लोग, इतने तो समझदार हो ही भाई लोग, यूट्यूब चलाते हो। इधर देख लेना ये, कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ये तो पता ही होगी। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इंसुलेटर में वो होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इंसुलेटर से नहीं होती। अर्थिंग वगैरह, बाकी ये आपसे ये पूछ सकता है वायर के बारे में। तीन तरह की वायर होती हैं, एक लाइव होती है, न्यूट्रल, और एक अर्थ वायर। लाइव होती है वो रेड कलर में होती है, ये देख लो, और ग्रीन वायर होती है जो अर्थिंग के लिए यूज़ होती है, और ब्लैक वायर होती है रिटर्न वायर, जो करंट वापस लाती है जो। और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ लेना, इधर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इधर पॉजिटिव। डायग्राम देख लो आप, ये पढ़ लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं बता दूँ, ये इंडक्शन लिखा है ना यहाँ पे, इंडक्शन मतलब वो होता है जब दो बॉडी को पास मिलाओ, एक के वजह से दोनों मतलब उनको दोनों दूर रखो, दोनों में चार्जेस आ जाते हैं, जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव। चिपकाना नहीं है, दूर रखना है थोड़ा। इधर देख लेना ये, फॉर योर नॉलेज पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। एडिटिविटी मतलब सम ऑफ चार्जेस होता है, Q1+Q2+Q3⁻¹Q1, जितने चार्जेस हो सबको जोड़ देना। और क्वांटाइजेशन Q बराबर n ही होता है, ये देख लो एक बार। यहाँ पे n बराबर होता है 0+-1+-2, इसके यहाँ पे वैल्यू रख देना। और E बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, ये पढ़ लेना फॉर योर नॉलेज, देख लेना एक बार। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ है, ये न्यूमेरिकल देख लो, काम आएंगे आप सबको, देख लो एक बार, आप सबके लिए है ये, टेंशन मत लो। देख लो आप न्यूमेरिकल्स, इसके आंसर भी दे रखे हैं शायद। अच्छा, ये दूसरे हैं क्वेश्चन, हाँ इसके सॉल्यूशन आप खुद से कर लेना। हिंट दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में, यहाँ पे देख लेना जो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन है, उसके भी हिंट दे रखा है, पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया एक तरह से।
तो बस मैं वीडियो ही एंड अप करता हूँ। वन शॉट तो नहीं बना पाया लेकिन भाई लोग दो तीन वीडियो में कवर कर दूंगा पूरा चैप्टर। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना ताकि उनका ही भला हो जाए।